हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है 9:15 से। सुबह में मॉर्निंग में उठी थी 6:30 के करीब उठी थी। आजकल 2 दिन से मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही हूँ। फिलहाल आज मुझे जाना है किसी काम से बाहर, और वो काम ये है कि मुझे फिलहाल डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास की डेली रूटीन चेकअप के लिए जाना है क्योंकि डॉक्टर मुझे हर महीने चेकअप के लिए बुलाते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चेकअप के लिए आप लोग सोचे कि चेकअप मतलब कुछ वैसा है। अरे मतलब मेरा जो वेट वगैरह बढ़ रहा है उसके रिलेटेड मुझे चेकअप करवाना होता है, डॉक्टर मुझे हर महीने चेकअप के लिए बुलाती रहती है। तो फिलहाल आज मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ कंटिन्यू, डॉक्टर ने जो दे दी और मेरे को थोड़ा बहुत वीक में इंफेक्शन वगैरह, डॉक्टर के पास जाना पड़ा और थोड़ा बहुत ब्लड की कमी भी हुई है तो उस वजह डॉक्टर चेकअप वगैरह करवाने जाना पड़ता है। फिलहाल मॉर्निंग में उठ गई थी 6:30 और आधा घंटा बैठे रही, 7 बजे उठी, आधा हस्बैंड का व्रत है, हस्बैंड पी रहे हैं दूध और केला खा रहे हैं, और मम्मी पापा के लिए रात की सब्जी भी चिकन की रोटी डाल दी थी गर्म गर्म। पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मम्मी अभी नहा रही है और मैं नहा चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं। फिलहाल हॉस्पिटल जा रहे हैं मैं और मेरी सिस्टर, वही सिस्टर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। फिलहाल वो अभी अपना चेकअप के लिए गई हुई है हॉस्पिटल, वो अभी हॉस्पिटल दिखा के आएगी, फिर वो मुझे रास्ते मिलेंगे, फिर हम दोनों साथ में डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है, जहाँ मैं जाती हूँ डॉक्टर को दिखाने में टाइम लग जाता है, मैंने पहले दिखा के आ जाऊँ डॉक्टर को, क्योंकि तुम्हारा जरूरी है। मेरा तो ये कि आज भी दुकान दिखाई दूंगी, बट उसका जरूरी था क्योंकि पैसे तो चले जाए, फिर मेरे को रास्ते मिल जाएगी, फिर हम दोनों साथ में देखेंगे। तो फिलहाल जो डॉक्टर है वो भी 10 बजे तक आती है, 10:30 तक आती है। और फिलहाल हम देखते हैं, पहले सिस्टर को देखते हैं काम की तबीयत खराब होता है, क्योंकि उसका अभी फोन आया था, वो बोल के डॉक्टर वगैरह नहीं आई है अभी, और मगर उसने बीपी वगैरह चेक करवा दिया, हीमोग्लोबिन वगैरह चेक कराते, सारे चीज़ चेकअप करवा दिया है अपना, और डॉक्टर नहीं आई अभी। अभी उसको थोड़ी देर बाद फोन करूँगी, अभी रेडी वगैरह भी रेडी क्या डाला, टी शर्ट ट्राउजर डाल के जाऊँगी, और वैसे इतनी गर्मी हो रही है तो टी शर्ट ट्राउजर ही डालूँगी। फिलहाल मैं पहले कर लेती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट, रेडी होने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिलहाल टाइम हो गया 8:40 का, और मैं और मेरी सासू माँ जा रहे हैं आज सब्ज़ी लेने के लिए। और हम जैसे कि पहले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि पीर मार्केट में हम सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ पे मार्केट लगता है पीर बाज़ार, तो हम वहाँ से सब्ज़ी, वैसे मम्मी दुकान से सब्ज़ी लेके आते हैं, और आज हम पीर बाज़ार जा रहे हैं, मैं और सासू माँ दोनों जा रहे हैं। और सिस्टर लोगों का आज पता नहीं, वैसे वो भी आते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, बट अगर वो सरली मार्केट में मिल जाए तो अलग बात है, बट बात हुई थी तो फिर बोला तो कंफर्म लिए जाने का, अगर गई होगी तो मिल ही जाएगी मार्केट वगैरह में। फिलहाल पहले फटाफट सब्ज़ी लेके आ जाते हैं, खाना वगैरह बना दिया, सब्ज़ी पापा ने बनाई है और रोटी मैंने बनाई है। आज रात के खाने में बनाया है बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी मैंने बना दी है, बर्तन वगैरह धोते हैं। तो पहले फटाफट से जाते हैं मार्केट सब्ज़ी लेके आते, क्योंकि आजकल 2-4 दिन से मैं भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा मेरी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं है, इसमें जॉगिंग वगैरह भी जा रही हूँ, और मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा, तो मैंने कहा चलो एक चक्कर लगा के आते हैं बाहर, भी थोड़ा हवा लगेगी सर में तो ठीक रहेगा। पहले हम फटाफट जा रहे हैं मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं, फिर आप लोगों से मैं बात करते हैं।
तो फिलहाल टाइम हो गया 2:36 का और खाना वगैरह हम सबका हो गया है। पापा मम्मी ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया है और हस्बैंड गया है ड्यूटी। कल उनका घर से काम था, क्योंकि कल उन्हें कुछ काम था इसलिए हम घर से काम किया उन्होंने। कल हमारा अपना कुछ पर्सनल काम था तो वो करवाने भी गए थे हम, बट वो हो गया है। अभी कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है तो फिलहाल अभी वो प्रोसेस में है, तो इसलिए वो घर पे रुके हुए थे। और उनका कुछ ऑफिस का भी कुछ काम था इसलिए भी वो घर पे रुके हुए थे। फिलहाल वो आज चले गए हैं ऑफिस। अभी उनकी मॉर्निंग में कैब आई थी, वो चले गए थे। और आज दिन के खाने में बना था, मिक्स दाल बनाई थी मैंने, छोले दाल वगैरह, मतलब 2-3 तरीके की दाल मिक्स करके बनाई थी। फिलहाल सबने खाना खा चुके हैं, मम्मी पापा खा चुके हैं, मैं खा चुकी हूँ। बर्तन वगैरह धो दिया, पूरा किचन वगैरह साफ कर दिया है। और आजकल मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। तो मेरे जो ये ब्लॉग है ये थोड़े थोड़े हर मतलब 2-3 दिन के मेरे ब्लॉग, छोटी क्लिप है मेरी, तो वही है क्योंकि मैं पूरे मतलब मेरी तबीयत का 2 दिन से मेरे इतना हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा कि जिस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी। तो छोटी छोटी क्लिप है जिसको मैं ऐड करूँगी और ये पूरा ब्लॉग बन जाएगा। फिलहाल तो तबीयत ठीक होने की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बिल्कुल 2:30 बज गए हैं, थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि सुबह से सो रही हूँ, काम वाम कर रही थी सुबह से। और अभी मतलब सारा काम हो गया ख़त्म, तो फिलहाल शाम को सब्जी वगैरह बनाएंगे, देखेंगे शाम का। फिलहाल अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।